अमेठी से बड़ी खबर, निजामुद्दीन गांव के प्रधान का हुआ कत्ल, घर के अंदर हुई ग्राम प्रधान की हत्या, रात के अंधेरे में बदमाशों ने मारी गोली, घर के बरामदे में सो रहे थे ग्राम प्रधान गुरुशरण यादव, बदमाशों ने सिर और सीने पर मारी गोली, मौके पर हुई ग्राम प्रधान गुरुशरण यादव की मौत, हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस ने पूरे गांव को बनाया छावनी, मुसाफिर खाना कोतवाली इलाके का है मामला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेठी जिले के मुसाफिर खाना कोतवाली इलाके से आ रही है, जहां मौजूद निजामुद्दीन गांव में बदमाशों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। बदमाशों ने रात के अंधेरे में निजामुद्दीन गांव के प्रधान गुरुशरण यादव को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान अपने घर के बरामदे में सो रहे थे, इसी दौरान बदमाश घर में घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बदमाशों ने ग्राम प्रधान के सीने और सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर के अंदर जिस तरह वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी गई है। गत रात लगभग 12:30 बजे के आसपास अज्ञात बदमाशों द्वारा वर्तमान ग्राम प्रधान गुरशरण यादव, सनाप नागेश्वर यादव, निवासी ग्राम निजामुद्दीनपुर कोतवाली मुसाफिर खाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। इस संबंध में बादी द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रतापत दिया गया, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर आगे की कार्रवाई की जाए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।